अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका सलमान नसीर अपने चैनल दुनिया की सैर विद सलमान में। आज एक बार फिर प्यारी सी जगह पे प्यारी सी वीडियो लेकर आया हूं। आज है 1 जनवरी सन 2024। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। दुआ करता हूं अल्लाह पाक ये साल हम सब के लिए खैर खुशी वाला, तरक्की वाला और बहुत ही अच्छा बनाए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एज यूजुअल मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे न्यू आने वाले व्यूअर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद आए तो अपनी राय का इजहार कमेंट में कीजिएगा। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। आज की वीडियो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाली है। वो क्यों? क्योंकि मैं जिस जगह मौजूद हूँ वो है दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल 2। ये मेरा ओरिजिन है और मेरी डेस्टिनेशन जो होने वाली है वो है मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान। तो आज मैं आपको लेकर जाऊंगा फ्लाई दुबई FZ325, मतलब FZ325 फ्लाई दुबई पे, दुबई से मुल्तान। इस फ्लाइट की मैं टाइमिंग आपको बताता चलूं। लोकल टाइमिंग जो यहाँ की दुबई की है वो है 8 बजे यहाँ से टेक ऑफ है और पाकिस्तान में इसका मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो अराइवल है वो है 11:35। तो इस टाइम सुबह के 6 बज चुके हैं। तो अब वीडियो को बगैर लंबा किए मैं आपको एयरपोर्ट के अंदर लेके चलता हूँ और आपको तमाम जो यहाँ की फॉर्मेलिटीज हैं, चेक इन के लास्ट स्टेप जहाज तक बैठने की, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊंगा। एयरपोर्ट भी एक्सप्लोर करेंगे तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। Let's start. You know, I thought this was going to. एयरलाइन पे ट्रेवल के लिए मैं आपको बताते चलूं आपके पास क्या क्या होना जरूरी है। आपका पासपोर्ट, आपकी टिकट और आपका वीजा, क्योंकि मैं यहाँ का रेजिडेंस हूँ इसलिए मेरा वीजा जो है वो यहाँ पे पेस्टेड है। तो अगर आप विजिट पे हैं तो आप विजिट का कलर आपके पास प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद टिकट और आपका पासपोर्ट। और इस साइड पे हमने जाना है, ये देख सकते हैं आप चेक इन जो है वो इस साइड पे हो रहा है। एयरपोर्ट पे एंटर होते ही ये आप देख सकते हैं सबसे पहले ये यहाँ पे टाइम टेबल जो है वो मेंशन किया हुआ है और ये आज की फ्लाइट्स हैं जो यहाँ से टेक ऑफ होंगी। और मेरी फ्लाइट जो है वो FZ325 है। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं FZ325 दुबई टू मुल्तान Area 1। तो चलें Area 1 के साइड पे चलते हैं और चेक इन का जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी करते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये इनसाइड व्यू एयरपोर्ट का और हमने जाना है Area 1 की साइड पे। Area 1 जो है वो एंटर होते ही लेफ्ट साइड पे है इस साइड पे, और इस साइड पे आप देख सकते हैं ये Area 2 है। बताते चलूं ये दुबई का Terminal 2 है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट Terminal 2। चलें हम इस साइड पे चलते हैं। ये फ्रेंड्स मैं Area 1 पे आ चुका हूं, ठीक है। और मेरे लेफ्ट साइड पे मैं आपको ऑनलाइन चेक इन की मशीन्स भी दिखा देता हूं। ये देखें ये जो है यहाँ पे ऑनलाइन चेक इन के मशीन्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप इधर Area 1 में लाइन में लगने से बचना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन चेक इन भी कर सकते हैं खुद से, ठीक है। और यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो स्क्रीन पे अवेलेबल हैं, आप इजीली रीड करें और उसके बाद जो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रोसेस मेंशन किया हुआ है इसे जस्ट फॉलो करें और आपका चेक इन हो जाएगा। ये फ्रेंड ये देख सकते हैं ये लाइन यहाँ से मूव हो रही है और ये तमाम काउंटर्स हैं
इनमें से जो एम्प्टी है उस पर मैं जाता हूँ, बताता चलूँ। यहाँ पे जो आपका बग्गी जो होता है वो ये ले लेते हैं, उसका वेट चेक करके, और जो हैंड कैरी होता है वो आपके हवाले कर देते हैं और आपको बोर्डिंग पास मिल जाता है यहाँ से। अपनी फ्रेंड्स, बोर्डिंग का प्रोसीजर वो कम्प्लीट हो चुका है और अब मैंने जाना है बिल्कुल स्ट्रेट। ये देख सकते हैं आप डिपार्चर गेट, और इसके बाद है माइग्रेशन। माइग्रेशन से पासपोर्ट स्कैन होने के बाद देन मैं इनसाइड हो जाऊँगा वेटिंग रूम में, और वेटिंग रूम का भी मैं इंशाल्लाह ताला जाके मुकम्मल रिव्यू चेकआउट करता हूँ, और उसके बाद जो वहाँ पे ड्यूटी फ्री मार्केट्स हैं उन्हें भी जाके एक्सप्लोर करते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। ये तो फ्रेंड्स तमाम फॉर्मेलिटी चेक इन के होने के बाद अब मैं इस साइड पे आ गया हूँ। ये देख सकते हैं दुबई ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं, और चलें अभी नहीं हम एक्सप्लोर करते हैं। और ड्यूटी फ्री शॉप का मैं बताते चलूँ, इन शॉप्स पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं और अपने प्यारों के लिए चीज़ें लेते हैं तो आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, जो कि आप बाहर पे करते हैं। चलो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं इस साइड पे सारा ये वेटिंग एरिया है, और सेलिब्रेटिंग 40 इयर्स, और ये कार यहाँ पे खड़ी हुई है। हो सकता है यहाँ पे ये ऑफर में हो और कोई लकी विनर इसको अचीव करे। इस साइड पे टॉयलेट्स हैं और प्रेयर रूम है, मेल फीमेल टॉयलेट, उसके बाद प्रेयर रूम। और चलें आप दुबई ड्यूटी फ्री शॉप का एक्सप्लोर करते हैं। ये बहुत ही प्यारे डेकोरेशन पीसेस। यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज है वो भी मौजूद है, अगर आप यहाँ से करेंसी चेंज करवा के जाना चाहते हैं अपने मुल्क तो उसकी भी सहूलत यहाँ पे अवेलेबल है। ये मुकम्मल जो है ये ड्यूटी फ्री शॉप है इस साइड पे दोनों तरफ। इस टाइम 6:45 सुबह के हो रहे हैं और मेरी फ्लाइट का टेक ऑफ टाइम 8 है। अभी तक तो ऑन टाइम शो कर रहा है स्टेटस, मैंने फ्लाइट का चेक किया है, तो आई होप के फ्लाइट जो है वो ऑन टाइम जाएगी। ये हर ब्रांड का जो परफ्यूम है वो अलग अलग इन्होंने रखा हुआ है अलग अलग काउंटर पे। फ्रेंड्स आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये मैं आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ ताकि आप लोग देखें और वीडियो से महजूज हों। यहाँ पे रिस्ट वॉचेस और
उसके बाद गोल्ड ज्वेलरी, और सामने आप देख सकते हैं गारमेंट्स। सिकोंडा ब्रांड है ये। और रिफ्रेशमेंट के लिए आप देख सकते हैं जॉन्स द ग्रोसर, ये कैफेटेरिया बना हुआ है। और इस साइड पे तमाम ब्रांड्स जो हैं वो जो टॉप लिस्ट हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैकडोनल्ड्स है, उसके बाद KFC है, आप देख सकते हैं लोगों का हजूम। हर कोई यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे पेस्ट्री, कॉफ़ी, सैंडविचेस, सैलड, ये उन्होंने काउंटर के ऊपर मेंशन किया हुआ है। यहाँ भी इनका डाइनिंग है और यहाँ भी इनका डाइनिंग है, क्योंकि दुबई एयरपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट है। यहाँ 24 घंटे फ्लाइट्स जो हैं वो एक के बाद एक उतरती है। इस साइड पे फ्लाई दुबई का बिजनेस लाउंज। और चलें अब इस साइड पे चलते हैं, फ्लोर प्लस स्टोन, ये भी कैफेटेरिया है। और ये जो गेट्स वगैरह मेंशन किया हुआ है, ये बेसिकली आपके बोर्डिंग पास पे मेंशन होता है कि आपकी फ्लाइट जो है वो कौन से गेट से डिपार्ट करेगी। ये आप देखें, हर तरफ लोग ही लोग हैं। चलें अब मैं भी कोई जगह ढूंढता हूँ, बैठता हूँ और उसके बाद वेट करता हूँ अपनी प्लेन की बोर्डिंग का। जैसे स्टार्ट होगी तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला जाके प्लेन में बैठेंगे। बताते चलो, मेरी विंडो सीट है। फाइनली फ्रेंड्स, लाइन जो है वो बिल्कुल कम रह गई है। चलें हम भी चलते हैं, बोर्डिंग कराते हैं और फिर उसके बाद बस में बैठते हैं और फिर बस हमें प्लेन तक छोड़ेगी। गाइस, बोर्डिंग के प्रोसेस के बाद मैं बाहर आ चुका हूं और इस बस में बैठने, ये देख रहे हैं आप और ये सामने देखें, ये दुबई का टर्मिनल 2 है। तमाम फ्लाई दुबई जो हैं वो यहां पे मौजूद हैं। और सुबह का मौसम है, बहुत प्यार है, 1 जनवरी है तो ठंडा ठंडी हवा चल रही है। तो चलें आप बस में इंसाइड होते हैं। ये हमारा प्लेन जिसमें हमने जाने, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपनी सीट पे आके बैठ चुका हूँ, आप देख सकते हैं। 1 जनवरी है, ईयर का फर्स्ट डे है, तो प्लेन जो है वो कंप्लीट वो फुल है, ये आप देख सकते हैं। और मुझे जो जोन मिला, क्योंकि मैं थोड़ा लेट आया था चेक इन में, 30 मिनट से रहते थे, तो जिसकी वजह से मुझे लास्ट ई जोन में सीट मिली है। जी तो फ्रेंड्स, फाइनली 30 मिनट डिले के बाद अब हम टेक ऑफ के लिए रेडी हैं। प्लेन हमारा रनवे पे स्लोली स्लोली मूव कर रहे हैं और सामने देखें मेरे A380B
टेक ऑफ के लिए रनवे पे आता हुआ, तो कहीं नहीं जाना, वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो अब हम देखेंगे टेक ऑफ एक्शन फ्लाइट दुबई FC-325 का। जो डिले हुआ वो किसी पैसेंजर के बगीज का सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। देखें एमिरेट्स एक टेक ऑफ कर गए हैं और दूसरा जो एमिरेट्स का A380 डबल डेकर प्लेन बताता चलूँ, मेरे चैनल पे A380 के भी वीडियो मौजूद है जो मैंने लास्ट टाइम ट्रैवल किया था दुबई से जद्दा के, तो अगर आपने वो देखनी हो तो चैनल में लास्ट मंथ विजिट कीजिएगा। चलो जी, फाइनली हमारा भी प्लेन का नंबर आ गया है टेक ऑफ के लिए। तकरीबन 50 मिनट डिले कर चुका है प्लेन ऑलरेडी। फाइनली फ्रेंड्स, हम बिल्कुल लैंडिंग के करीब हैं, बट ये वेदर आप देख सकते हैं
बहुत ज़्यादा फोग है जिसकी वजह से कुछ क्लियर नीचे ज़्यादा सही नज़र नहीं आ रहा। फाइनली हम मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहे हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं प्लेन से सामान उतारने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। फाइनली गाइस मुल्तान के एयरपोर्ट पे अप्रोच कर चुके हैं और मैं प्लेन से आउट हो चुका हूं। अब चलें बिल्डिंग के इनसाइड चलते हैं। ओवरऑल मेरा फ्लाई दुबई के साथ एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अच्छा रहा। एक घंटा तो डिले हुई लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छे से इन्होंने कवर की है और जस्ट 25 मिनट डिले के साथ हम मुल्तान पहुंच चुके हैं और PIA की ये फ्लाइट जो है ये भी रेडी खड़ी है टेक ऑफ के लिए। चलें हमने अब इनसाइड जाना है। आउटसाइड वेदर जो है बहुत ही प्यारा है, बहुत ज़्यादा ठंड है मुल्तान में। यहाँ पे कतर एयरलाइन भी मौजूद है। बताते चलो ये जो PIA है ये मुल्तान से मदीना जा रही है। चलें हमने इस साइड पे जाना है। प्लेन से उतरने के बाद जो पहला स्टेप है वो पासपोर्ट कंट्रोल है, देन उसके बाद बगेज क्लेम है और बगेज क्लेम के बाद फिर बिल्डिंग से आउटसाइड। ये आप देख सकते हैं अभी मैं तो लाइन में नहीं लगने वाला, मैं जब ये रश खत्म हो जाएगा तभी जाऊंगा। जी तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को क्लोज करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जो है पसंद आएगी। अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमन कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह मिलेंगे एक प्यारी सी जगह पे प्यारी सी वीडियो के साथ। आपका होस्ट सलमान नसीर, पाकिस्तान जिंदाबाद।